नहीं यार, ऐसा टारगेट नहीं होता। ये ना, ये बाहर से ऐसी बातें चलती हैं 250 करोड़ 300 करोड़। वो फिल्म का ये जो नंबर होता है, ये खुद ऑडियंस की वजह से आता है। हम लोग जो बिजनेस करते हैं उनको सिर्फ ये देखना ज़रूरी है कि फिल्म जो है वो अच्छी तरह से रिलीज़ हो, लोग उसको प्यार से देख रहे हैं, वो नंबर आते रहेंगे। ये एक होड़ सी लग गई है। हम लोग खुद भी, हमारे ऑफिस वाले लोग भी कभी कभार नंबर भेजना शुरू करते हैं। आई डोंट थिंक वो ठीक है। माशाल्लाह फिल्म जो है हमको फीलिंग आती है और लोग देख रहे हैं, हॉल्स में है तो अच्छी चल रही है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर जो नंबर ख़त्म होगा तब ख़त्म होगा। आजकल वो बन गया है कि पहला नंबर दो और आखिरी नंबर दो, वीक का नंबर दो, वीकेंड का नंबर दो। और आई थिंक हमारे आसपास के लोग भी ये करते हैं, लेकिन मेन एम यही होना चाहिए कि फिल्म जो है लोगों को पसंद आए, आहिस्ता आहिस्ता नर्चर करें उसको, और खुशी से आराम आराम से फिल्म लंबी चले और जितने लोग देख सकें उसको प्यार से और खुशी से दो बार देख सकें। सी मेन एम आई थिंक हर फिल्म मेकर का ये होता है कि फिल्म को दोबारा देख सकें। हमारी फिल्म लंबी है फिर भी हमको लगता है कि लोग प्यार से उसको अगले हफ्ते इस हफ्ते दोबारा देखने को आएंगे। श्याम का कितना असर पड़ा इस फिल्म के सक्सेस पर? आई डोंट थिंक सो यार, वो बिल्कुल अलग चीज़ थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसको हमने मार्केटिंग पे एक सोचा ही नहीं था। हम सब साथ में थे दोस्त, तो दिल में आया कि यार सब साथ में एक शो करते हैं। और स्लैम टूर हम अभी भी करेंगे, इंशाल्लाह दिसंबर में जाएंगे और जगहों पे करेंगे फिल्म के रिलीज़ होने के बाद भी। सो उसका आई डोंट थिंक कुछ बड़ा असर पड़ता है मार्केटिंग के अंदर या पब्लिसिटी के अंदर, लेकिन अच्छा मौका था, एक अच्छा एक्सक्यूज़ था कि हम साथ में, जैसे दीपिका पिक्चर में बोलती हैं, अच्छा एक्सक्यूज मिल था, एक्सक्यूज़ था कि हम लोग आगे जाके उसको साथ में रह सकते। मुझे तो बड़ी खुशी है, एज लॉन्ग एज पीपल आर इन्जॉइंग द फिल्म। सिर्फ जैसा मैंने कहा कि वो नंबर तो आता ही रहेगा, वो कुछ बंद नहीं होगा, कम नहीं होगा, एक दिन ज़्यादा आएगा, एक दिन कम आएगा, एक दिन बहुत बढ़ जाएगा, एक दिन कोई रिकॉर्ड टूटेगा, वो बातें नहीं है। आई थिंक ओवरऑल जो है, अगर हम विजन की तरह देखें तो फिल्म की विजन ये होनी चाहिए कि बहुत दिन तक चले। उसका जो टोटल होता है, हम मेरे को बहुत खुद ही शर्मिंदगी होती है कि वो रिकॉर्ड टूट गया, फ्राइडे को ऐसा हो गया, ये हो गया, मुझे खुद, मैं इसलिए उसके बारे में बात नहीं करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि वो नंबर जो है कभी छुट्टी की वजह से होता है, नंबर ऑफ स्क्रीन्स की वजह से होता है। बट दी आइडिया इज कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, तो वो फीलिंग मुझे आ रही है कि लोगों को पसंद आ रही है। ओवरऑल 100 में से 80 लोगों को पसंद आ रही होगी, तो वो बहुत अच्छा है हमारे लिए कि लोग जो है फिल्म को इन्जॉय कर रहे हैं। दैट इज़ द लॉन्जेविटी ऑफ अ फिल्म। फॉर अ फिल्म मेकर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ लॉन्ग एंड हाउ मेनी पीपल सी द फिल्म, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग। एक चीज़ जैसी कमाल की डायरेक्टर हैं, तो कमल को बहुत सारे शोज के ऑफर्स आ रहे हैं अभी, वो सोलो न्यूयॉर्क नाइट पे सोलो परफॉर्मेंस आप बमन देने वाले होटल्स में, हैप्पी न्यू ईयर के। किस तरह का ऑफर आ रहा है? मेरी मैनेजर बना रहता हूँ उसको, तो और क्या, यही बचा था। ऐसे कोई शोज नहीं आ रहे, बस खुशियाँ यहाँ पे है। मैं इधर हमारा क्वारंटाइन देखने आया, कभी खुशी तो नहीं, कभी हाँ कभी ना देखने आया था। 3 बार मैं रिटर्न हुआ था पूरी फैमिली के साथ, आपको शायद पता नहीं लगा, 3 बार। और यहाँ पे जैसे आज पब्लिक सिटी, हमारे यहाँ तक सिटी की पूजा आ रही है, हम लोग ने भी यहाँ पे बहुत सिटी हमारी तालियाँ बजाए, आज हम लोग यहाँ पे बैठे, बहुत खुशी का दिन है आज मेरे लिए। मैं इनफैक्ट जब बॉम्बे आया था मैंने बहुत सारी फिल्म देखी हैं यहाँ पर, और बहुत बार टिकट नहीं मिली, वापस खड़े रहे हैं, और
ब्लैक में भी टिकट्स खरीदी है मैंने, बट लाइक यू नो आज खुद जब फिल्म देखने आए हैं यू नो शाह सर हैं, मनोज साहब को फोन भी नहीं किया तब मैं जानता नहीं था और तब यू नो आज यू नो शाहरुख के साथ हैं, पारा के साथ हैं और हमारी फिल्म लोगों को इतनी पसंद आ रही है। सो एक एक कमाल की फीलिंग है और विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना जल्दी सब कुछ हो गया, बट बोलते हैं कि सपने साकार जरूर होते हैं एंड फाइनली सपना साकार हुआ है। एक छोटी सी बात इसके साथ जी, इनके सपोर्ट में पूरी फिल्म के यूनिट के मनोज देसाई उसकी लाइफ में 1,000 सीट की कैपेसिटी, 2 थिएटर और एक ही फिल्म लगा है, इतना तो बेवकूफ नहीं है जब 40 साल से ये लाइन में हो, तो फिल्म में कुछ होगा तो ही 2 थिएटर लगाए होंगे, तो आपके सामने हो। चलना यार, एक मिनट।